स्टार्ट में हाइप क्रिएट हो गई है भाई। मेरे पास तुम लोगों की तो स्टार्ट में हाइप थी भी नहीं, 5-6 एपिसोड्स के बाद जाके लोगों को पता चला कि ये कोई अच्छा ड्रामा आया देखने लायक है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें हो रही हैं, लाइक एंकर पर्सन है उसको गुंडे से प्यार हो जाएगा, लाइक गुंडे को एंकर पर्सन से प्यार हो गया। जरनाब रहमती की होगी, फारिस की होगी या फिर मुन्ना इकबाल की होगी? हुमायूं सईद ने पॉडकास्ट में बताया। ये तो फिर वो सीक्रेट रिवील कर रहे हैं आपकी स्टोरी। खलील साहब जरा इस पे ध्यान दीजिए, आपकी स्टोरी बता रहे हैं आप, जरा खुद देखें इस चीज को। सादिया फैसल कहती है की आजकल लड़कियां ज्यादा कमाने लग गई है तो उनके दिमाग आसमानों पे पहुंच गए हैं। वो कहती है की जब हम अपना खुद कमा रही खुद खा रही तो हमने इन मर्दों का करना क्या है? ये लड़कियां मासूम लड़कों को क्या समझती हैं? लड़के मासूम होते हैं? हाँ, कभी देखे हॉस्पिटल में जाके क्या कि ज्यादा औरतें हार्ट अटैक से मरी हो? तौबा तौबा तौबा, मर्द का ही गरीब का जनाजा उठता है सबसे पहले हॉस्पिटल से, क्या हार्ट अटैक होया? किन्ने दिता? बुड्ढी ने दिता। वेलकम टू ड्रामेबाज, दिस इज मी समीरा लतीफ। इस शो में हम फिल्म्स, गॉसिप और ड्रामों पे ही ड्रामेबाजियां करेंगे और आज के ड्रामेबाजियों में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर बाबर। ये फैशन स्टाइलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज के साथ उठते बैठते हैं, उनके पल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी नाजुक त्वचा और सिल्की बालों को संवारते हैं और खुद भी नाजुक है लेकिन साथ ही साथ सिद्धि गोली है। कैसे आमिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बीमार होता तो यहाँ आता क्यों, घर पे ना होता अपने? आमिर एक बात बताओ, ये ड्रामेबाजियां बचपन से आती हैं कोई स्पेशल शॉर्ट कोर्स? अपने आप को बिल्ज किया है मैंने इस काम के लिए। प्रोड्यूसर 50 रुपए काटो उसकी ओवर एक्टिंग के। 50 रुपए दिए कौन से हैं? खैर जोक्स अपार्ट, अपना शो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट ऑनेस्ट रिव्यू बाजी से। रिव्यू शुरू करते हैं जेंटलमैन ड्रामा से जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है। आपको क्या हो गया आमिर, इतना अच्छा ड्रामा तो चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और आप ऐसी शक्लें बना रहे हैं जब मैं नाम ले रही हूँ? मैंने देखा था एक पॉडकास्ट जिसमें कह रहे थे वो, मैं मुन्ना भाई से इंस्पायर हूँ। क्या मुन्ना भाई से इंस्पायर हुए वो? है ना वैसी कोई ज्वेलरी ना कोई ड्रेसिंग, कुछ भी समझ नहीं आता। मुन्ना भाई से वो इंस्पायर हुए, ड्रेसिंग वैसी नहीं, बाकी सारी चीजें वैसी नहीं, लेकिन ये बताओ मौजू तो अच्छा है ना, सब्जेक्ट तो अच्छा है यार, लोग पसंद कर रहे हैं। क्या सब्जेक्ट अच्छा है? वही पुरानी घिसी पिटी बातें हो रही है, लाइक एंकर पर्सन है उसको गुंडे से प्यार हो जाएगा, लाइक गुंडे को एंकर पर्सन से प्यार हो गया, वो एंकर के पीछे शरीफ हो जाएगा। पुरानी कहानियां हैं, कोई नई चीज लाओ। जैसे देखो इतनी देर के बाद, 4 साल के बाद कम बैक किया है आखिर जो कर मुन्ना भाई करेक्टर कर रहे हैं हमारे, तो उनको तो चाहिए कि ऐसे धम किस्म की एंट्री दें। ये क्या इतनी ठंडी एंट्री, मुझे मजा नहीं आया ड्रामे का। हाँ वैसे 4 साल बाद टेलीविजन में एंट्री दी है मेरे पास तुमों के बाद। बिल्कुल, लेकिन मेरे पास तुमों ने तो इतना बिजनेस किया था, 60 TRP के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और फिर जब लास्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग होनी थी सिनेमा में, टिकट 7 मिलियन के जो है वो पहले से बिक गए थे। आपको लगता है जेंटलमैन उसके रिकॉर्ड तोड़ पाएगा उसके TRP के? कहीं ना कहीं क्योंकि स्टार्ट में ही हाइप क्रिएट हो गई है भाई। मेरे पास तुमों की तो स्टार्ट में हाइप थी भी नहीं, 5-6 एपिसोड्स के बाद जाके लोगों को पता चला कि ये कोई अच्छा ड्रामा आया देखने लायक है। मेरे पास तुम हो ड्रामा था, पता लगा था कि आखिर में हीरो मरा और लोग रो पड़े, दादियां तक रोई भी दिखाई गई हैं, सोशल मीडिया भर गया था। आप रोए थे? मैं भी थोड़ा सा आपदीदा हो ही गया था जब हमारा हीरो करके दम तोड़ा उसने तो बस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा उस तक जाए, उस हाइट तक जाएगा ना। लेकिन वैसे एक पॉइंट यहाँ पे मैं उठाना चाहूंगी, खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामे में हर वक्त एंड एपिसोड में हीरो मर जाता है, लगता है कि इस एपिसोड में भी हुमायूं सईद मर ही जाएगा। ये तो अल्लाह ही जाने या खलील साहब जाने कि मरता है या लेके निकलता है। अच्छा वैसे यमुना जैदी जो ड्रामे में जरनाब बनी हुई और एंकर पर्सन है, उसको गुंडों से शदीद नफरत होती है, लेकिन आज कल के एपिसोड में लग रहा है थोड़ी बहुत मोहब्बत उसके दिल में जाग उठी है। अरे एपिसोड नंबर 6 तो देखो, देखिए ना, रातों को तो सो ही नहीं रही है, कभी यूं करके आ रही है, कभी यूं करके सुबह तक कलम चल रही है और सोच ही जा रही है, अरे अब क्या एंकर पर्सन गुंडों से मोहब्बतें करेंगी। निकल पड़ी गुंडों की तो। यार फारिस भी मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, अपनी मंगेतर को धोखा दे रहा है, उसके सामने कॉल आती है तो कहता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है उसको कॉल करता है, उसके साथ डिनर करने चला जाता है। अरे मर्द की फितरत यही है, बगल में झूरी मुंह में राम राम। भाई देखिए शादी से पहले तो हर मर्द ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ा सा उसकी शादी होने वाली है, होने वाली है, मिस हुई नहीं है। तो क्या शादी के बाद वो चोंचली छोड़ देगा? अब देखिए चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से तो ना जाए। मिफ्रा उसे कहती नहीं है जब अपनी डिनर पे बुलाती है कि शादी तुम उसी से करो लेकिन डिनर मेरे साथ ही करो। तो क्या बुराई है इसमें, कर ले डिनर। हमें मुझे लगता है आप भी ऐसे करते थे शादी से पहले। अब देखिए कुछ बातें तो ढुकी छुपी रहनी चाहिए तो बेहतर, मोहब्बत में रोजा ना रखो तो बहुत गुनाह होता है। वो रोजा एक अलग चीज है, ये जरनाब कह रही थी ड्रामे में। वो जरनाब अब कह सकती है ना, वो तो लिखा हुआ तो कहना ही है उन्होंने। अब रहमती को भी जरनाब से मोहब्बत हो गई है, जरनाब रहमती की होगी, फारिस की होगी या फिर मुन्ना इकबाल की होगी? इंशाल्लाह मुन्ना इकबाल की होगी। एक तरफ मुन्ना इकबाल आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं मुन्ना इकबाल की होगी इंशाल्लाह। अभी देखो वो करेक्टर है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि मुन्ना इकबाल की ही होगी। मुझे नहीं लगता, हुमायूं सईद ने पॉडकास्ट में बताया है कि रहमती आगे बहुत बुरा बनने वाला है। ये तो फिर वो सीक्रेट रिवील कर रहे हैं आपकी स्टोरी।
खलीक साहब जरा इस पे ध्यान दीजिए, वो आपकी स्टोरी बता रहे हैं, आप जरा खुद देखें इस चीज को। कास्ट कैसी लगी आपको? एक बात है ड्रामे में, कास्ट में देखो सब हैं, ना लड़की के माँ बाप, ना किसी और के माँ बाप, ना बहन भाई, अल्लाह माफ करेगा ये सारे यतीम मस्कीन वाड़े हुए ड्रामे में। लावारिस दिखा दिया भाई सबको, ना सुहाया अली आबरो के घर में वालदैन है, ना हुमायूं के माँ बाप है, ना ही रहमती के माँ बाप है, जरनाक का बाबा भाई वही बस नजर आए हैं पूरे ड्रामे में, और तो कोई नजर। जब दिल करता है वो उसके घर उठ के डिनर पे चला जाता है, डिनर पे आ जाओ, आज डिनर ना हो गया क्या हो गया, हमारे जमाने में तो डिनर करने के लिए पता लग जाता था, यहाँ तो डिनर पे आ जाओ, घर वाले है ही नहीं, हर टाइम डिनर पे बुलाई रखती है। वो अपनी फियांसे के घर पे जाने से पहले फोन करता है पूछता है, लेकिन सुहाय के घर पे जाने से पहले पूछता भी नहीं है। आमिर इस पूरे ड्रामे में एक चीज से जो मुझे मसला है वो गाड़ी वाला सीन, आपने देखा है? अरे हाँ। हमेशा क्रोमा पे शूट करते हैं भाई। हाँ, देखो ना पीछे वो चल रहा था 16 के जमाने का, हवा के साथ चांद, वो वाला क्रोमा चलाया हुआ, पीछे वो बैठा हुआ यूं कर रहा है अहमद भट्ट साहब, वो यूं कर रहे हैं और यूं एकदम से लाइट आती है, है? बंदा कम से कम लाइट का तो देखो, सूरज कहाँ से आ रहा है, एकदम से तेज लाइट आई फिर हल्की लाइट आई, इतना भी नहीं होता जितना वो कर दिया। इतने अच्छे बजट का ड्रामा हो के कम से कम वक्त हो, एक अच्छा सा तुम लोग क्रोमा तो लगा लेते। हुमायूं सईद ने अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में बताया कि चूंकि वो एयरवाई के साथ ही फिल्में और ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं, पहली बार वो ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ ड्रामा कर रहे हैं, चूंकि उनकी बेटी और बीवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एयरवाई के ऑनर सलमान बताते हैं कि लोग उन्हें मैसेजेस कर रहे थे कहीं हुमायूं और आपका फड्डा तो नहीं चल रहा, तो सलमान ने लोगों को कहा कि भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हुमायूं से पूछो, और हुमायूं को कहा कि दोबारा ऐसे मत करना प्लीज, हालांकि मैंने तुम्हें खुद ही इजाजत दी थी। अरे ये तो सलमान इकबाल का बड़प्पन है कि उन्होंने इजाजत दे दी हुमायूं को कि चलो कोई नहीं, बेटी और मिसेज ने जो किया है ड्रामा शुरू उसमें कर लो काम, नहीं तो कौन देता है ऐसे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब चलते हैं जिसका नाम है गॉसिपबाजी। गॉसिप है जी, सादिया फैसल कहती हैं कि आजकल लड़कियां ज़्यादा कमाने लग गई हैं तो उनके दिमाग आसमानों पे पहुंच गए हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपने शौहरों के साथ क्योंकि उनको लगता है हम इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ है तो ऐसा, देखो ना आजकल का जो दौर जा रहा है इसमें लड़कियां खुद कमाने तो लग पड़ी हैं, जब से लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई हैं लड़कियों तो मर्दों को कुछ समझती नहीं है, वो कहती है कि जब हम अपना खुद कमा रही हैं खुद खा रही तो हमने इन मर्दों का करना क्या है। तभी तो देखे ना कि आजकल तलाकों की तलाक की रेशियो कितनी बढ़ गई है। लेकिन जरूरी तो नहीं है हर बार लड़की की गलती हो। नहीं लड़की की, हाँ क्यों नहीं गलती, आप कैसे कह सकते हैं? ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। ऑब्वियसली ताली एक हाथ से नहीं बजती, हो सकता है शौहर की गलती हो। नहीं शोहर की भी गलती नहीं इसमें हो सकती ज्यादा। देखिए जब औरत खुद कमाने लग पड़ती है ना तो औरत की पहले आंखें होती है यहाँ पे, फिर आंखें आती हैं यहाँ पे, फिर आंखें यहाँ पे आके ऊपर बाल गिरा के पिन्ने लगा के गायब हो जाती है वो। तो ये क्या बात कर दिया हमें कि वो मर्द को कुछ समझती ही नहीं है। आमिर तो अच्छी बात नहीं है कि लड़की कमा रही है, जब लड़की कमाती है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इंसानी फितरत है ये, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, तो अच्छा कमाना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं नहीं कहता अच्छा कमाना बुरी बात है, कमाए, लेकिन बात यह है कि जब एक मर्द कमाता है ना तो मर्द अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपनी बीवी के लिए कमाता है, अपने घर वालों के लिए कमाता है, लेकिन जब एक औरत कमाती है ना तो वो खुद के लिए कमाती है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कमाती है अपने घरों को भी देती हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इस वक्त आप जाके देखें तलाक की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से। यार देखो तलाक की रेशो इसलिए नहीं बढ़ी कि लड़कियां कमाती हैं और उनके आंखें वहां चली जाती हैं, दिमाग आसमानों पर चला जाता है। तलाक की रेशो इसलिए बढ़ी है क्योंकि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और उनको पता है कि रिलेशन टू वे होता है, ठीक है, सिर्फ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना शौहर ने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हर वक्त औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, शौहर का कोई राइट नहीं है। पहले वक्तों में तलाक की रेशो कम होती थी, पढ़ी लिखी औरतें भी होती थी, ठीक है, तब तो तलाकें इतनी ज्यादा नहीं होती, तब भी औरतें कमाती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां अल्लाह ये तो अल्लाह जाने आजकल की जनरेशन को क्या, अगर खासतौर पर ये लड़कियां मासूम लड़कों को क्या समझती हैं। लड़के मासूम होते हैं? हाँ, कभी देखे हॉस्पिटल में जाके क्या कि ज्यादा औरतें हार्ट अटैक से मरी हो? तौबा तौबा तौबा, मर्द का ही गरीब का जनाजा उठता है सबसे पहले हॉस्पिटल से, क्या हार्ट अटैक होया, किन्ने दिता? बुड्ढी ने दिता। हाँ तो वो बुड्ढी से लड़ता क्यों है? है लड़ता क्यों है? अल्लाह 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 माफ करे, उसको मेंटली तौर पे अज़ियत दे दे के दे दे के दे दे के उसका बेड़ा गर्क कर देती है ना। क्या देता है? रीजन वो खुद देता है ना? क्या दिया इस बेचारे ने? देखो अल्लाह ने मर्द को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करके और औरत को जबान देके ना लंबी जबान देके बात बराबर कर। काश के रब ने ना मर्द को कैंची दी होती तो औरत की जबान कहूं। यार ये कितनी गलत बात कर रहा है, फेमिनिस्ट औरतें देखेंगी ना बताएंगी तुम्हें। फेमिनिस्ट औरतें क्या मतलब है, ये बात सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, क्या जो मर्द होते हैं ना, मर्द
हमारी सोसाइटी के मर्दों को पता ही नहीं है सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज किस बला के नाम सबके जाओ बेचारे सुबह घर से निकलते हैं कमाने ना धूप ना ये बात हम भी निकलते क्या वो बेचारे ना धूप देखते हैं ना बारिश देखते हैं ना छांव देखते हैं कमाते हैं ठीक है ना। एक औरत खुद कमाने का निकलती सबसे पहले तो कंपनी से मुझे वेकेंसी चाहिए वो भी मिल जाती है मर्द वांगू जाए हाँ लोकल रूल दी पता लगे हाँ चिंचियां ते तरक्षियां ते किवें जाएगा धूप सड़ दे है। तो जो औरतें कमाती हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कमाती हैं? सबसे पहले स्कूल से जाकर तो ऑफिस में बैठ जाती हैं। यार ये क्या गलत बात कर रहे हो, देखो लॉजिकल बात करो मुझसे। डाइवोर्स की रेशो इसलिए भी बढ़ी है कि औरतें कॉम्प्रोमाइज इतना कर लेती हैं तो एंड पे थक जाती हैं तो ये रिजल्ट मिलता है ना। आजकल की औरतें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती इसलिए फटाफट पढ़ी लिखी है अवेयर है उनको पता है अपने राइट्स का कहाँ है उनको राइट्स ये है कि इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करना मर से लड़की ले लेनी है इतनी सी बात नहीं होती बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हुई होती हैं। हम बस करेंगे तो आप तो औरतों की बहुत साइड ले रही हैं। तो मतलब आप सादिया फैसल की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? हाँ इत्तेफाक तो मैं इस बात से करता हूँ कि बाकी औरतें कमाना शुरू हुई हैं तो औरतों के आसमान को लग गए हैं दिमाग यू नो भूल जाता थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो लेकिन बात यह है कि बाकी जो आप बातें करें वो गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो हमारी सोसाइटी के मर्द हमेशा ये कहते हैं बीवियों को क्या? हमारी माए भी तो कॉम्प्रोमाइज करती थी, दादियां भी तो करती थी, नानियां भी तो करती थी। हाँ, उन्होंने वही सीखना चाहिए। उन्होंने वही दौर देखा है। आजकल की जो जनरेशन है जो औरतें हैं जो बीवियां हैं उनको पता है वो पढ़ी लिखी हैं उनको पता पहले भी पढ़ी लिखी थी। रिलेशन होता है एक साइड से ताली नहीं बजती उनमें सब्र था। आजकल की बेसब्रियां हैं तभी तो तलाके ले लेती हैं। मर्द मासूम तबका बताएं जरा आप कैसी बातें करती हैं ये? आपको पता है आप एक औरत के सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं? हाँ तो मैंने कब कहा है कि मेरे सामने एक औरत नहीं है? तो आपको शर्म आनी चाहिए किस बात की? नहीं मुझे नहीं आती वो तो मुझे पता है आपकी शक्ल पे। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। खैर ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। आमिर सादिया फैसल की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब बारी है हमारी आखिरी सेगमेंट जो गद्दबाजी की। इस सेगमेंट में सिद्धी गोली हम लोग कुछ वीडियोस देखेंगे फनी वीडियोस और उस पर हमने रिएक्ट करना है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्टार्ट करें। तोबा यार कितनी जुगाड़ू कौम है हमारी पाकिस्तानी कौम है ना। वाह 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 देखिए कितने खूबसूरत वाह क्या टैलेंट है यार जुगाड़ू। गर्मी का तोड़ देखो उन्होंने कैसा निकाला है पंखे के साथ पाइप लगा के ऐसे पूरा सर्दी भी आ रही है वाह वाह मजे। इसे कहते हैं पाकिस्तानी कौम हर जुगाड़ का तोड़ पाकिस्तानी कौम। बिल्कुल हमारी कौम ऐसी है और आजकल जितनी गर्मी हो गई लगता है ये जुगाड़ करना पड़ेगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। ओके नेक्स्ट वीडियो आ गई। क्यों मम्मी इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तुझे नहीं पता घर में आग लग गई थी क्यों हुआ तो भाई। यार फुप्पे बदनाम क्यों है इतनी देखे ना बात है सच्ची ना फुफिया आती हैं आग लगा जाती हैं तेन पता है तो बस वो गई वो तभी उसने कहा कि आग लग गई क्या बुआ आई। आपकी फुफो ऐसी देखे चुप रहने दे तो बेहतर है पता लगे घर जाए तो मेरी फुफो मुझे यार पूरी दुनिया को बताया कि फुफो जो है ना वो फुफी कुटनी होती है। नहीं सारी ऐसी नहीं होती लेकिन मेरी फुफी थोड़ी सी हाँ ना आग लगाती है घर में आग लगाती है पूरा फायर वर्क करके जाती है। ओके थर्ड वीडियो हजार यार देखो तो अब आ रहे हो मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ यार उसके घर पहुंच गया। यार वैसे लड़कियों की बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं ऐसी सुपर पावर होती है ना उनके पास वो नजर आ ही रहा है इसमें कि कितनी सुपर पावर है कि शॉपकीपर पहले घर पहुंचा हुआ लेके कि मिस आपके लिए। वैसे आमिर एक बात बताओ कि कभी बार्गेनिंग की है? हाँ बहुत दफा की हर दफा करता हूँ। शॉपकीपर मान जाता है? हाँ मान जाते अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कभी हुआ है? हाँ ऐसे ही होता है अक्सर सम टाइम लाइक शॉपकीपर कहता है 1200 में कहते नहीं 400 और अलहमदा 400-500 में चीज लेके आ जाता हूँ मैं तो मुफ्त भी ले आती हूँ। आप भाई ला सकते हैं आप बड़े लोग हैं। नहीं बड़े लोग नहीं हमारी सुपर पावर होती है भाई। इतनी भी सुपर पावर नहीं होती है जहाँ थोड़ी मुझे दे दें कितनी अच्छी सुपर पावर है। ये था आज का ड्रामेबाज। उम्मीद है हमारी ड्रामेबाजी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी और हाँ अगर आप हमारी जुगतबाजी सेगमेंट में फीचर होना चाहते हैं तो अपनी वीडियोज के लिंक्स कॉमेंट्स में पेस्ट करें हम उनको अपनी सेगमेंट में चलाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय।